तालियां रुक क्यों गई? एड्रियन किंग ने बराबरी तो खोजी है, बट दैट्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द मैप। वैसे तो दो इजी शॉट्स मिस किए वेंका ने, और एड्रियन किंग जस्ट रैपिंग अराउंड थ्रू मिड, पकड़ दिया है ट्रू रिवर्स को, बिल्कुल बांध दिया है। और अब इकलौता प्लेयर भी मेन पे शायद कुछ कर पाता अगर एक आधा फ्रैग मिलता टेक्नो। यहाँ पे बैरियर ऑफ के बूस्ट लेकर आएंगे और डिसअप को मौका नहीं देंगे। ये पे ट्रू रिवर्स 48 पर। ओह माय गॉड वेंका, ओह माय गॉड द ब्यूटी। ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चलिए वेंका, ही आल्सो गेट्स अनदर पिक। ट्रू रिवर्स इस समय ये जाल में फंस रहे हैं। वेंका एक एक करके सबको परास्त कर रहे हैं ग्रैंड। राउंड ये निकालना, तो अगर ये राउंड निकाल दिया तो तहस नहस हो जाएगा। ये सही है उसके लिए, बट ज्यादा से ज्यादा वो ग्रे फॉक्स को थोड़ा सा इकोनॉमी डैमेज जरूर दे सकते हैं। गॉट इट राइट, बट कोहली ग्रे फॉक्स के पास कमजोर वेपन्स है। बट मोमेंट्स लाइक दीज, येलो क्लियर करा जाएगा, नहीं हाफ क्लियर, और उसपे हुक्स का हेडशॉट। 20 सेकंड क्लॉक पे ग्रैंड, नाउ दैट्स द प्रॉब्लम। रिजरेक्शन भी आ चुका है, अगर आप फॉल बैक करा बैंको को रिवाइव मिल जाएगा, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा देर उनको जिंदा रहने देंगे। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा मिल सकता है यहाँ पे कोहली की फैंटम। अब यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ, जस्ट वर्क इस राउंड के अंदर टू रिपर्स का जीतना वॉज समथिंग मैंडेटरी, और ये 50 हो सकता है क्या? हो गया, नो टाइम, नहीं पुश कर सकते, कहाँ जाओगे, भी जाओगे। बैंकर ने जो किया चलाई तो लेकिन मिला कुछ नहीं, बहुत स्लोली खेल रहे हैं टेक्नो भी, यू आर स्पीक नहीं करने, बट फाइनली एक खिलाड़ी स्पॉट, लैंप्स का कंट्रोल छीना जाता था सबके ऊपर से। The flash is good, और उसके पीछे फ्रैग भी आएंगे, एक नहीं दो दो फ्रैग। तो कार्ड डिप्लॉय, अरे चलिए परफेक्ट परफेक्ट रीड। एक प्लेयर अभी लॉक भी है वैसे तो, बट डीजी के साथ पीक करना चाह रहे हैं एड्रियन की पोजीशन। फटाफट एड्रियन के प्रेजेंस ऑफ माइंड थ्रू द फ्लैश बंडी है, बड़े कोलैड लाइन अप कर दिया दोनों के दोनों प्लेयर्स को। होक स्टिल साइ स्टिल सर्वाइव्स, 1v2 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कर लिया सिटी वाले प्लेयर को, बढ़िया फ्रैग, और उसके बाद होक चुपके से एक 1v2 निकाल के ग्रे फॉक्स को पिस्टल जीतो आया है। फ्लैश होने के बाद जो किल मिला है वहां कहने की कहानी बल्टी, और अब अगर देखे एक फास्ट शावर्स कंट्रोल जज के साथ जब एंड जज ऑन द फेस एंड वेंका विद अ डबल, बहुत इजी फ्रैग्स एंड वेंका, ये खिलाड़ी नहीं रुकना चाहते हैं आज। पेट शेल नाइफ सब कुछ उन्होंने स्वैप कर लिया, एंड द नाइफ कम्स इन एज वेल। वेंका का 3k, और क्या ही स्टार्ट है इस राउंड का। एक और बार आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन ये रीफ्लैग होक्स का वो फ्रैग एट ग्रे बॉक्स का राउंड नंबर 2 इस ज्यादा मैटर करने वाले क्वार्टर एंड में, क्योंकि चेक करना जरूरी रहेगा, चेक भी किया जाएगा। वेंका परफेक्टली शॉट कनेक्ट, वांट्स टू गो फॉर मोर, एड्रियन मिल गया बॉल बैक हेड शॉट, इट्स एड्रियन। टेक्नो आइसोलेट करना चाह रहे हैं इस वॉल वाले प्लेयर को, लेकिन सायो जस्ट पुशेस थ्रू, गेट्स अ गुड एंगल एंड गेट्स द फ्रैग टू लेफ्ट। ओह, ये तो सामने से ही गन उठा रहे थे, कोहली ने हाय बोला है। The double peak will come into play. बहुत अच्छा round कर देती है जी। इस बार reshot fight करना चाह रहे हैं। Pick up weapons. So I don't think so कितनी value मिल पाएगी। Sayo with the first, no damage taken. The second is also good. Farming is equal. Yeah. और पीछे तीसरा भी Sayo को मिल जाएगा। Billy go for the ace. Are you find Venka? But Adrian King with a trade. Adrian King. मुझे लगता है final frag Billy के नाम ज़्यादा किया। जैसे ना एक right leg लग जाए आप। गुड शॉट्स, ईगो को अच्छी तरीके से हैंडल किया ग्रे फॉक्स ने। कोहली लाइन अप, बी साइड का हिट तैयार है, कोहली डबल स्मोक ड्रॉप करेंगे, लेकिन जितनी देर में कोहली डालते उतनी देर में एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। डेथ मेकर बच गए, व्हाट कोहली बिफोर डाई गेट्स वन प्लेयर इज स्टार्ट, बट इज स्टिल गोइंग ऑन। फ्रैग्स निकाले गए, लेकिन फ्लैग के साथ डील कर लिया। होक्स वैसे स्पैम करेंगे शायद, वेयर डिड होक्स गेट दोस फ्रैग्स फ्रॉम? हो
एक हुक्का के अंदर से यहाँ पे स्पैम कर रहे हैं वो स्लिंक के एरिया को। फैंटम चल रही है, इट इज जस्ट नास्टी। होक्स 3 के इस राउंड और 11वां राउंड आ जाएगा रिपोर्ट के लिए। देखते ही देखते पहला खिलाड़ी दिखेगा साइय को, एंड दैट्स बिकम इंस्टेंटली शटडाउन होंगे। तो सी मेन में यहां पर वेंका बिजी ऑलरेडी, यहां पर आरयू की पोजीशन को भापना पड़ेगा। बट वेंका होक्स दोनों ने एक बड़ा अच्छा फ्लैग निकाला, बट ज्यादा देर आरयू भी अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। एक डिसिप्लिन वाला राउंड, एक साथ वो ए हिट के लिए जाते हैं तो एंगल इज गुड एंड ही गेट्स द फर्स्ट फ्रैग। 30 seconds ज्यादा है नहीं, लेकिन पीछे सपोर्ट के लिए खिलाड़ी आ जाएंगे। दैट्स कोहली द स्पेक्टर कनेक्ट एंड किंग ऑन द साइड टू सपोर्ट। एक एक करके फ्रैग हिट जरूर किया है, लेकिन वो भी बचे भी बचे हैं। और एक और बात, फोक्स उनको ही पकड़ेंगे और कोहली आखिरी फ्रैग अपने नाम करके 7 बराबर कर देंगे स्कोर लाइन को। आराम से वो साइड पे थी, कोई भी था नहीं, और अब यहाँ पर प्लेयर्स हो रहे हैं रैप। एक एक ही भी लगा क्या? और उसके बाद कोहली और होक्स आ गए सपोर्ट करने के लिए। गुड राउंड फॉर टीम ग्रे फॉक्स, साफ रखना था, बिल्कुल साफ रखा, एक फ्लॉलेस राउंड ग्रे फॉक्स ईस्पोर्ट्स के हाथ। द ऑपरेटर अभी भी जस्टिस करते हुए नजर आ सकते हैं। फ्रैगमेंट और ज्यादा परेशान में डालने वाला बट एंड्रू किंग, ही वेंट टू फ्रैग। अब अगर आपका प्लेयर पिक ऑफ हुआ है तो उसे फर्क पड़ता नहीं है। रोलिंग थट सीटी का डाला है, बहुत शानदार स्पेस आईडिया, अच्छा शॉट भी। एडन की 1 2 3 लूज दिस राउंड, देन मेक अ डेड, आर यू स्टार्ट एज एनीथिंग। और ट्रू रिपोर्ट्स के हाथों से एक इंटेलेक्चुअल राउंड छीना जाता हुआ। की टाइमिंग देन मेक अ फ्रैग प्ले बट हेल्प ही वन सेकंड एंड हेल्प विद द थर्ड एज वेल। हेल्प के लिए दूसरा है जरूर, बट ओवरऑल टीम के लिए तीसरा फ्रैग। बट नाउ अ 4v2 सिनेरियो, बहुत ज्यादा लेट आ रहे हैं और आर यू के लिए चीजें आसान होनी चाहिए, लेकिन अब सायो का इन्फॉर्मेशन भी रिले हो जाएगा कि एक प्लेयर साइड पर हो। ही फाइंड्स दैट मेकर एंड सायो विद द फ्रैग, लेकिन आर यू बहुत अच्छा लर्क टाइम और यहां पे होक को एलिमिनेट करने में कामयाब हो गए। बट सायो जब तक जिंदा है परेशानी खड़ी कर सकते हैं। एक और बार शॉट लैंड कराने में कामयाब और अब द क्लॉक इज टिकिंग, तीसरा सर्कल आ चुका है। अब यहां पे सायो को सिर्फ बॉल गिरा के फ्रैग सिक्योर करना है, ही विल मेक श्योर क्योंकि सामने जो वाइपर्स बिठाई है ये परेशानी का समा बांध सकते हैं। Still a 4v3, goes down to 1 HP, but are you? Baker shut up, but Sayo with the trade and head kick. He takes down that Baker. 3v1, Techno ke kandho pe puri zimmedari. True Rippers, close it, but this is it. Grey Fox is the winner for Omar Baron Challenges South Asia. They have done it. They have done it in style. Down to the buyer. Lekin Vijenda, keval ek aisi team. So recently, Bob Lee zarur thi. Lekin inse upar default. और कोई नहीं कह सकता है, इनसे ऊपर की टीम साउथ एशिया में नहीं है।